अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पार्ट टू में मैं आपको शो कर रही हूँ आइडल की ड्रेस कलेक्शन। ईद के लिए जो मैंने उसकी ड्रेसेस लिए हैं, तो जो फॉर्मल में है वो फर्स्ट ड्रेस आइडल का ये वाला है। ये वाइट कलर का बहुत प्यारा सा फ्रॉक है और अपर है इसका, और इसके ऊपर सारा ये बहुत प्यारा सा स्टोन वर्क हुआ हुआ है, और इनर जो है वो सारा नेट का है। ये हाई लो फ्रॉक है, इस तरह की टेल टाइप का फ्रॉक है, और कैन इसके साथ अटैच है। बहुत प्यारा सा ये फ्रॉक है और बहुत सॉफ्ट सा इसका स्टफ़ है, बहुत ही लाइट सा और प्यारा सा कलर है इसका। तो ये इसका फर्स्ट डे का ड्रेस है, लेकिन इन ड्रेसेस में बच्चे बहुत ही इरीटेट होते हैं। तो उसके बाद सेकंड ड्रेस जो है वो उसका मैंने ये लिया है, और ये कैजुअल टाइप का ड्रेस है। यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा स्टोन वर्क हुआ हुआ है सारा, जितना भी रिटर्न है इसके ऊपर, और सॉफ्ट मलाई स्टफ़ है इसका, और इसके साथ ये कैप्रिस टाइप का शॉर्ट है, और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये ड्रेस है इसका, इंशाल्लाह जब फर्स्ट डे में, उसके बाद ये सेकंड ड्रेस होगा। उसके बाद ये इसका थर्ड सेट है। ये इसका कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा पीच कलर है इसका, और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी और थोड़ा लेस वर्क हुआ हुआ है, और इसके साथ भी कॉटन का शॉर्ट्स हैं। बहुत प्यारा सा इसका भी मलाई स्टफ है, और इसके साथ कॉटन शॉर्ट्स है। इसके ऊपर बहुत प्यारे से तरह से पॉकेट्स के साथ डिज़ाइनिंग हुई हुई है, सेल्फ प्रिंट में है, और इस तरह से ये इसका रबर के साथ शॉर्ट्स के बने हुए हैं, और कॉटन फ्रेंडली होती है बच्चों में गर्मियों में, तो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। ये भी बहुत कंफर्टेबल सा एक ड्रेस है। आइजल को गर्मी बहुत आती है और उसको इसी तरह के कम्फर्टेबल ड्रेसेस पसंद है, तो ये मैंने इसके लिए है थर्ड ड्रेस। और ये इसकी है कम्प्लीट लुक, और इसके साथ जो है वो शॉर्ट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो इसका ये ग्रे ड्रेस है। इसमें भी सारा सामने जितना भी ये प्रिंट है उसके ऊपर स्टोन वर्क भी हुआ हुआ है, और ये बहुत ही लाइट सा स्टफ़ है, समर्स के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे नेट के साथ सारी फ्रिल बनी हुई है। बहुत प्यारा सा इसका स्टफ़ है। और इसके बाद जो इसके साथ है वो जीन्स की शॉर्ट्स है, वो भी एम्बेलिश्ड है इस तरह से, उसके भी बॉटम पे हैं स्टोन वर्क। और ये इसका सेट है नंबर 4, और ये ड्रेसेस सारे मैंने इसकी ईद की प्रिपेयर करके बच्चों के रख लिए हैं। उसके बाद अब जो बेसिक काम रह गया वो मेरे अपने और हस्बैंड के ड्रेसेस रह गए हैं, और बस उसके बाद ईद की सारी प्रिपरेशन डन हो जाएगी। और ये कंप्लीट लुक है इसके ड्रेस नंबर 4 की। उसके बाद नंबर 5 पे ये फ्रॉक है इसका, बहुत प्यारा सा लेमन कलर है, सेल्फ प्रिंट में ये फ्रॉक है, और इसमें इस तरह से एप्लिक वर्क हुआ हुआ है सामने, क्योंकि समर्स हैं तो मैंने समर के लिए कॉटन के और लॉन टाइप के ड्रेसेस भी रखे हैं ईद में। और इसके साथ मेरे पास मैंने इसकी वाइट टाइट्स भी ली हैं, और वाइट मेरे पास शॉर्ट्स भी हैं, तो इसमें से इस तरह से बटन के साथ ओपनिंग है बैक साइड पे और नीचे तक है, बहुत इजी रहता है बच्चों को पहनाना। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लॉन का ही ड्रेस बनाया है, सिंपल ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ है। मैं इंशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में शेयर करूँगी, और इसके साथ भी आप शॉर्ट्स भी पहना सकते हैं, तो मेरे पास इसके साथ शॉर्ट्स हैं। और ये लॉन का इसका फ्रॉक है, ब्लैक कलर है इसका, और ये भी मैंने ईद के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ताकि अगर ज़्यादा गर्मी हो तो बच्चों के लॉन के ड्रेसेस भी हों। उसके बाद नेक्स्ट ये है इसका ब्लू कलर में, और इसमें देखिए इस तरह कॉटन स्टफ़ में है, बिल्कुल प्लेन है, और इस तरह से इसमें पैच वर्क किया हुआ है बॉर्डर पे, और थोड़े से फ्लावर्स के साथ डिज़ाइनिंग हुई हुई है नेक पे। बिल्कुल प्लेन सा ड्रेस है, और इसके साथ इसका मैचिंग पजामा है ब्लू कलर में ही सेम। तो ये इसका ड्रेस मैंने एक और लॉन का प्रिपेयर करके रखा हुआ है ईद के लिए। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने प्रेस करके इस तरह से हैंगर्स के साथ हैंग कर दिए हैं कबर्ड में, और इनको जब भी मैंने यूज़ करना हुआ तो ये बिल्कुल रेडी होंगे। उसके बाद शूज़ हैं इसके, मैंने कैजुअल शूज़ लिए हैं, इस तरह के शूज़ मुझे बच्चों के पसंद हैं, और ये मैंने इसके वाइट कलर में शूज़ लिए हैं स्टोन वर्क के साथ है, बहुत ही क्यूट से शूज़ हैं। तो ये थी आइडल की ईद प्रिपरेशन, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।